नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। जब आपकी जान की रक्षा करने वाला ही आपकी असमत लूटने के लिए उतारू हो जाए तो आप फिर किस पर यकीन कर सकते हैं। ऐसा ही सबको चौंका देने वाला मामला रामपुर से सामने आया जब एक 37 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता थाने पहुंची तो उसके साथ जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में 37 वर्षीय महिला अपने साथ रेप करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जब पुलिस थाने पहुंची तो वहां मौजूद दारोगा ने उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उसके सेक्स करने की पेशकश की। महिला के अनुसार रेप पीड़िता से थानेदार ने कहा कि आरोपी तब पे करूंगा जब मुझे भी मौका दोगी। महिला अपने साथ हुई घटना को लेकर जांच अधिकारी के पास पहुंची और कहा उसकी असमत लूटने वाले आजाद घूम रहे हैं जिस वजह से उसे जान का खतरा है और वह काफी डरी हुई है। उसने पुलिस अधिकारी से उन अपराधियों को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की। महिला को न्याय दिलाने की बजाय पुलिस ने घिनौना जवाब देते हुए महिला के शारीरिक शोषण का प्रयास किया। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार 12 फरवरी की रात महिला का दो लोगों ने गैंग रेप किया जिनमें से एक उसका परिचित था। महिला अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से वापस रामपुर सिटी लौट रही थी तभी दोनों ने उसे लिफ्ट दी, उसे घर छोड़ा और घर में उसे अकेला देख बंदूक की नोके पर महिला के साथ रेप किया। इसी घटना के सिलसिले में महिला थाने पहुँची थी। महिला ने फिर थाने में ऐसा वाकया होने के बाद उसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की तब उसे ये कहा गया कि इस मामले में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच कमेटी बिठा दी गई है। हम